अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रेम कहानी की बात करते हैं। नवजोत, ये कहानी किसकी है? इसका अंदाजा मेरे ख्याल से लगाना कोई मुश्किल नहीं है। नो प्राइस फॉर गेसिंग। सबसे खूबसूरत, सबसे धमाकेदार, सबसे ग्लैमरस अगर कोई प्रेम कहानी है तो वो यही प्रेम कहानी है, एक ही प्रेम कहानी है। जी बिल्कुल, नीलम ने बहुत लंबा कह दिया है, मैं बस थोड़ा सा कहूंगी, थोड़ा सा सहन कर लीजिएगा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है। कभी कभी मेरे दिल में तेरे मेरे मिलन की ये रहना, मैं पल दो पल का शायर हूँ। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अमिताभ बच्चन यानी कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज। लेकिन पर्दे पर मारधाड़ और मस्ती करने वाले अमिताभ बच्चन इतने सीरियस लवर हो सकते हैं, इसका अंदाजा दुनिया को तब हुआ जब रेखा के साथ उनकी जोड़ी बनी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। वक्त जिनमें तुम्हारे लबों का रंग नहीं, वो वक्त गुजरा नहीं, ठहर गया। यूं ही साथ चलते चलते कदम बहुत आगे बढ़ चुके थे। सिलसिला के रिलीज होने के पहले ही अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी दुनिया के सामने आ चुकी थी। सिलसिला ने बता दिया कि प्यार का सिलसिला पुराना और गहरा है। धड़कने कुछ कह न चाहे, कह नहीं पाए, हवा का गीत मध्यम है, समय की चाल भी कम है। इस कहानी की शुरुआत हुई 1976 में दो अनजाने फिल्म की शूटिंग के दौरान। कहते हैं पति पत्नी के किरदार निभा रहे अमिताभ और रेखा एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। इस जोड़े ने करीब दर्जन भर फिल्में की। फिल्में चलती रही और प्यार की कहानी आगे बढ़ती रही। लेकिन जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब इस इश्क की आंच अमिताभ बच्चन के घर तक पहुंचने लगी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ये अजब संयोग है कि फिल्म सिलसिला में अमिताभ, रेखा और जया के प्रेम त्रिकोण का अक्स दुनिया ने देखा। लेकिन सिलसिला के साथ ही अमिताभ और रेखा के बीच गहरे रिश्तों का सिलसिला थम गया। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा ने कभी दोबारा काम नहीं किया। कहते हैं पारिवारिक दबाव की वजह से अमिताभ बच्चन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। जिस दिन तुम्हें बुला दूंगा, अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। ये डायलॉग पुराना जरूर है, लेकिन शायद इसमें महानायक के दिल का वो दर्द छुपा है जो उन्होंने 30 साल महसूस किया। अमिताभ रेखा के रिश्तों का सच किसी को मालूम नहीं, लेकिन सच ये भी है कि पूरे बॉलीवुड में इससे बड़ी प्रेम कहानी कोई और नहीं है।